हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी लोगों का सवाल है गुड क्रिएटर ऐप के बारे में कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं कि गुड क्रिएटर ऐप कैसा है। आई मीन काफ़ी लोग पूछ रहे थे, वो लोग पैसा वापस नहीं करते, उसमें पैन कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ती है, तो ये सेफ है या नहीं है। आज इस वीडियो में आप लोगों को हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। सो वीडियो पर प्लीज़ कोई निगेटिव कमेंट मत करिएगा क्योंकि बहुत ही रैंडम वीडियो है। सो जस्ट लोगों की क्वेरीज दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो इतना जल्दी बनाई है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि उन्हें कोलैबोरेशन तो करना है बट वो इसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये सही है या नहीं है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। सो प्लीज़ आप मुझे वहाँ, मतलब जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे वहाँ पूछ लीजिएगा। सो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला सवाल ये था कि गुड क्रिएटर ऐप ट्रस्टेड है या नहीं है। सो मैं पर्सनली अगर आप लोगों को बताऊं, मैं पर्सनली उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। फ़िलहाल मैं जो भी वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि उस पर हर तरह के कोलैब मिलते हैं, लाइक नॉर्मल रील्स वगैरह पोस्ट करने का है, नॉर्मल भी कोलैब्स मिलते हैं। सो मैं नॉर्मल कोलैब्स के साथ जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली जो कोलैबोरेशन मुझे मिल रहे हैं स्टोरी अपडेट का या रिव्यूज़ वगैरह रेटिंग का या सिर्फ परचेसिंग का, सो मैं सिर्फ GC से ही खरीद रही हूँ, मतलब उसी के साथ कोलैब कर रही हूँ। सो इट मीन्स मैं उन पर टोटली ट्रस्ट करती हूँ। अब बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है कि गुड क्रिएटर ऐप पैसा देता है या नहीं, मतलब जो पेड कोलैबोरेशन जो होता है उसका पैसा मिलता है या नहीं मिलता। सो शुरुआत से मैं आप लोगों को अगर बताऊं, उनको जो भी आप कैंपेन देखेंगे उसमें कैंपेन डिटेल्स में लिखा हुआ होता है कि वो लोग जो भी रिफंड करेंगे ना वो कैंपेन कंप्लीट होने के 45 days बात करते हैं। सो उसके लिए आपको अगर पेशेंस नहीं है, अगर आप लोगों में बिल्कुल अगर आप लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है तो आप कोलैब नहीं करें। क्योंकि शुरुआत में मुझे भी पेशेंस नहीं होता था क्योंकि मुझे चाहिए था कि अगर मैं कोई भी कोलैबोरेशन कर रही हूँ तो मुझे 20-25 days में मेरा पैसा वापस चाहिए था। बट हाँ, GC में पैसा वापस मिलता है लेकिन बहुत लेट मिलता है क्योंकि अगर आप कैंपेन कम्प्लीट होने में ही 15 days लगते हैं, कैंपेन कम्प्लीट होने के 45 days बाद आपको उसका रिफंड मिलता है। जो भी आप अमाउंट करें या पेड कोलैब करें उसका रिफंड आपको इतने दिन बाद मिलता है। सो बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, लाइक 2.5 महीने के बाद, तब तक मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने कौन सा कोलैब किया था। सो हाँ, पैसा वापस मिलता है बट यू हैव सम पेशेंस, इतना जल्दी नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत सब्र रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसमें आप अपना बैंक डिटेल देते हैं तो ये सेफ है या नहीं है। देखिए, मेन चीज़ ये है कि गुड क्रिएटर में UPI से पेमेंट नहीं होता है। हाँ, तो उसमें बैंक डिटेल ही देनी पड़ती है। मैंने अपनी पूरा बैंक डिटेल, पैन कार्ड वगैरह सब दिया हुआ है। सो वो एक ट्रस्टेड ऐप है मेरे लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप कोलैब चाहें तो नहीं कर सकते, बट आई ट्रस्ट देम। सो मैंने अपनी पूरी बैंक डिटेल्स उन्हें दी हुई है क्योंकि वो उसमें पूरा जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही वो पेमेंट होगी। अगर आप पर्सनली किसी से डायरेक्टली कोलैब कर रहे हैं तो वो आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, बट गुड क्रिएटर में आपको पूरा बैंक अकाउंट होना चाहिए एंड आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तभी वो लोग आपके साथ कोलैब करेंगे एंड तभी आपका पेमेंट कंप्लीट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि उसमें समझ में नहीं आ रहा है काफ़ी लोगों को कि कोलैबोरेशन की शुरुआत कैसे करते हैं। सो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप कोई भी कैंपेन में इंटर कर रहे हैं GC में तो उसमें लिख के आता है व्यू ब्रीफ। अगर आपने इंटर कर लिया एंड कोलैबोरेशन एक्सेप्ट हो गया है तो उसमें लिख के आता है व्यू ब्रीफ। तो व्यू ब्रीफ का मतलब होता है उसमें पूरी डिटेल्स रहेगी कि आपको इस कोलैबोरेशन में या इस कैंपेन में क्या करना है, मतलब जो भी डिटेल्स होगी आपको, डिलीवरेबल जो भी होंगे उसमें सारी डिटेल्स रहती है। सो वो बहुत केयरफुली, मोस्टली उसके कैंपेन्स रहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रहते हैं। सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ होता है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स रहती है, लाइक
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ना हो, अगर आप ऐसा अमेज़ॉन से कैंपेन कर रहे हैं, कोई भी कोलैब कर रहे हैं, तो ऐसे भी ऑप्शंस रहते हैं। सो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी आप अपने कोलैबोरेशन में आगे बढ़ पाएंगे कि इसमें आपको करना क्या है। सो आई गेस ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। एंड और भी था कि मैं एक दो वीडियो बनाऊं कि उसमें कोलैब करते हैं, सो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगी। मैं अपनी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, अब जो मेरा नेक्स्ट कोलैबोरेशन होगा उसकी मैं कोशिश करूँगी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँ अपने चैनल पर। सो आई नो कि मैं इतनी जल्दी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, स्टिल इसके गुड क्रिएटर का मुझे ये 3-4 डाउट थे और भी मैसेज आए थे व्हाट्सएप में, मुझे अभी क्लियर नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग यही बोल रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कोलैबोरेशन कैसे करें। सो मैं यही कहूँगी कोलैबोरेशन कैसे करें, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे उसमें। अगर आपने एक बार वो पढ़ लिया तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो आई गेस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी क्वेरी हो GC ऐप से या कोई भी अदर ऐप से, ओपा के लिए भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, सो नेक्स्ट वीडियो में मुझे जिस दिन भी टाइम मिला मैं ओपा पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। सो और भी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। सो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी एंड बताऊँगी। एंड मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मैं बता रही हूँ उसमें मैं अपलोड कर दूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक कैंपेन में हूँ, सो वो कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी तो नहीं हो पाएगी, बट जैसे ही मैं नेक्स्ट कैंपेन में आऊँगी या नेक्स्ट कोलैब करूँगी सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।